मांझी के मझनपुरा स्थित राम जानकी मंदिर के 70 वर्षीय पुजारी संत ताटम्बरी बाबा के ब्रह्मलीन होने पर शुक्रवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मालूम हो कि गुरुवार को हार्ट अटैक के बाद उक्त संत का देहावसान हो गया था। संत के परलोक गमन के उपरांत गुरुवार के राम मंदिर परिसर में प्रवाचक श्याम बिहारी सिंह द्वारा भजन कीर्तन व सत्संग का आयोजन किया गया। रुक रुक कर हो रही बरसात के बीच बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा मझनपुरा पेट्रोल पंप से मांझी के बलिया मोड़ तथा पुनः मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों श्रद्धालु भक्त जय श्री राम तथा ताटम्बरी बाबा अमर रहे का जय घोष कर रहे थे। बाद में स्थानीय गंगोपड़ायन घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्रह्मलीन संत के पार्थिव शरीर को जल समाधि दे दी गई। शोभा यात्रा में जनसुराज के नेता व कौरधर पंचायत के मुखिया पति उदय शंकर सिंह, परमात्मा सिंह, रंजन सिंह, सहदेव यादव, स्वामीनाथ शर्मा तथा बीरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष व साधु संत आदि भी सम्मिलित हुए। गुरुवार को देव शयनी एकादशी की तिथि को ब्रह्मलीन हुए प्रसिद्ध संत देव रहवा बाबा के परम शिष्य संत ताटम्बरी बाबा मांझी की दुर्गापुर शिव मंदिर तथा मझनपुरा राम जानकी मंदिर पर लगभग 50 वर्षों तक पुजारी बनकर रहे। मंदिर परिसर में गोपालन करने तथा प्रतिमाह धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने के कारण आसपास के संतों के साथ साथ गोपालकों को भी वो बेहद लोकप्रिय थे। आसपास के गांव में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भी वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे तथा गीत संगीत में भी रुचि रखते थे। उनके संयोजकत्व में हर साल सावन के महीने में मंदिर परिसर में झूला कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता था, जिसमें दूर दराज से अनेक नामी गिरामी कलाकार भी भाग लेने आते हैं। मांझी से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।